हे गाइस वेलकम बैक और एक नया वीडियो में। दोस्तों फाइनली रियलमी 8 प्रो डिवाइस के लिए रियलमी UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ओपन बीटा रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। और गाइस ये जो अपडेट है ये ऑल यूजर के लिए रोल आउट हो चुका है। अगर आप रियलमी UI 3.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 में अपडेट करना चाहते हो आपका डिवाइस में, तो गाइस आप जाओ यार अभी जाओ सॉफ्टवेयर अपडेट पेज में जाके ट्रायल वर्सन में फॉर्म को फिलअप करना, आपका डिवाइस में अपडेट मिल जाएगा। ओपन बीटा अभी भी लाइव है। तो गाइस आज हम इस वीडियो में रियलमी 8 प्रो डिवाइस में ओपन बीटा के साथ ये जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है इसका फुल डिटेल्स रिव्यू आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस चलते हैं आज की वीडियो के तरफ। दोस्तों आप फिलहाल यहाँ पे देखिए रियलमी UI 3.0 एंड्रॉइड 12 आप यहाँ पे RMX नंबर पे देख सकते हो RMX 3081। और गाइस ओपन बीटा के साथ रियलमी 8 प्रो डिवाइस में ये जो अपडेट रोल आउट किया जा रहा है इसका वर्जन है C.12। और गाइस इसका साइज 0.91 MB का था। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम रियलमी UI 3.0 में अपडेट किया होगा फॉर्म फिलअप करके ओपन बीटा में, तो आपका डिवाइस में साइज लगभग 5 GB का अराउंड देखने को मिलेगा। और अगर आपका डिवाइस में पहले से C.11 वाला अपडेट था तो आपका डिवाइस में इसका जो साइज है 0.91 MB का देखने को मिलेगा। और गाइस इसके साथ बहुत सारे बग को फिक्स किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं चेंज लॉग की तरफ। दोस्तों अबाउट दिस अपडेट पे आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे बग को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। आप यहाँ पे फिलहाल देखिए यहाँ पे देखिए आपको न्यू डिजाइन देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए परफॉर्मेंस का यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। उसके साथ आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैमरा में बहुत सारे बग आ रहा था, उन सभी बग को फिक्स किया जा रहा है। आप नीचे में देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पे बग को फिक्स किया जा रहा है। सिस्टम लैगिंग का कुछ इशू आ रहा था वो भी यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। एक्सेलेबिलिटी में यहाँ पे न्यू फंक्शन ऐड किया जा रहा है। और गाइस सब कुछ आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कौन सा मेजर बग फिक्स किया जा रहा है, कौन सा न्यू फंक्शन ऐड किया जा रहा है, और बिल्कुल लास्ट में ये भी बताऊंगा जो आपका डिवाइस में ये अपडेट करना सेव होगा या फिर आप स्टेबल अपडेट के लिए वेट कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों वीडियो आगमन से पहले आप एक बात को ध्यान में सुन लीजिए, रियलमी 8 प्रो डिवाइस में रियलमी UI 3.0 ओपन बीटा का जो अपडेट आया है C.12, इस अपडेट के बाद अभी भी आपको जो AOD कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल फीचर्स है जो रियलमी 8 डिवाइस में ऑलरेडी मिल चुका है, जो बैटरी आइकॉन को चेंज, वो भी गाइस इस अपडेट के बाद आपको देखने को नहीं मिलता है। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर, यहाँ पे गाइस देखिए बैटरी का जो आइकॉन है सो बैटरी, यहाँ पे आपको रियलमी 8 डिवाइस में बैटरी आइकॉन चेंज का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता था, लेकिन Realme 8 Pro डिवाइस में ये जो फंक्शन अभी भी देखने को नहीं मिला है। उसके साथ साथ दोस्तों जो AOD कस्टमाइज का ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन सेक्शन में, वो भी आपको Realme 8 Pro डिवाइस में ओपन बीटा अपडेट के बाद अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस शायद AOD कस्टमाइज का ऑप्शन Realme 8 Pro डिवाइस में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, ऑफिशियली इंफॉर्मेशन नहीं है। शायद आप कभी भी Realme 8 Pro डिवाइस में AOD कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों ये जो अपडेट आया है इस अपडेट करने के बाद आपका Realme 8 Pro डिवाइस में आपको कुछ टाइम थोड़ा लैगिंग इशू देखने को मिलेगा। मेरा डिवाइस में भी थोड़ा सा लैगिंग इशू मुझे फेस करने के लिए मिल रहा है, लेकिन ये ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐप क्रैशिंग का जो इशू था वो इस अपडेट के थ्रू यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा ये बीटा अपडेट है, ओपन बीटा अपडेट है, इसलिए आपको तो कुछ ना कुछ इशू देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इशू फ्री अपडेट पाना चाहते हो तो आप स्टेबल अपडेट के लिए वेट कर सकते हो, लेकिन ये जो अपडेट है ये अच्छा है, बहुत डिवाइस में। नेक्स्ट जो अपडेट आया था वहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कैमरा में, कैमरा बहुत ज्यादा लैग हो रहा था, बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट किया। लेकिन गाइस ये जो अपडेट है इस अपडेट के बाद कैमरा का जो लैगिंग इशू था वो यहाँ पे थोड़ा सा फिक्स किया गया है। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए अलग अलग मोड में स्विच करने के बाद भी डिवाइस इतना लैग नहीं हो रहा है, तो लैगिंग इशू यहाँ पे फिक्स हो चुका है। और आप यहाँ पे शटर स्पीड भी देखिए, शटर स्पीड भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगा। आप देखिए बहुत ही फास्ट यहाँ पे फोटो क्लिक हो जा रहा है, तो शटर स्पीड यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो चुका है इस अपडेट के बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल शॉट क्लिक किया, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप देख के बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपका डिवाइस में ये अपडेट रिसीव हो चुका है तो आप नीचे जरूर ये भी कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में कैमरे का जो लैगिंग इशू था वो यहाँ पे फिक्स हुआ या फिर अभी तक नहीं हुआ है। C.11 अपडेट के बाद रियलमी 8 प्रो डिवाइस में एक इशू देखने को मिल रहा था फिंगरप्रिंट में, तो बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट किया फिंगरप्रिंट अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट स्लो हो चुका है। लेकिन गाइस देखिए ओपन बीटा अपडेट के बाद C.12 अपडेट के बाद जो फिंगरप्रिंट था वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हो चुका है। आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए
फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं जैसे ही स्क्रीन के ऊपर टच किया, फोन यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, स्क्रीन यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, आप फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए। तो गाइज फिर भी अगर आपका डिवाइस में C.12 ओपन बीटा अपडेट के बाद रियलमी 8 प्रो डिवाइस में फिंगरप्रिंट के कुछ इशू आ रहा है, तो इसके रिगार्डिंग मेरे चैनल में एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप कैसे अपने आप खुद घर में बैठे हुए आपका फिंगरप्रिंट का जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान ट्रिक्स है, आप जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखना, मैं ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दे रहा हूं। तो उसके बाद जो फेस अनलॉक है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं। आप फिलहाल यहाँ पे देखिए फेस अनलॉक भी बहुत ही फास्ट हो चुका है, मैं जैसे ही यहाँ पे स्क्रीन को ऑन किया मेरा फेस बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है और ये तुरंत ही यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जा रहा है। तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट के रिगार्डिंग कुछ भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा C.12 अपडेट के बाद रियलमी 8 प्रो रहा है। इसके बाद जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसका वर्जन भी फिलहाल यहाँ पे चेक करते लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो स्टीम स्टोर है उसका वर्जन देखिए यहाँ पे अपडेट के बाद आपको देखने को मिलेगा 8.1.5। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में ये अपडेट नहीं हुआ है तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल रियलमी ओप्पो सिस्टम एप्लीकेशन अपडेटर को ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन का सिस्टम एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा ओनली फॉर इंडिया का। तो गाइस उसके बाद जो गेम स्पेस है उसका वर्जन भी फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए, उसका वर्जन है 6.14.0, ये भी आपको लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। अगर आपका डिवाइस में ये वर्जन अपडेट नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर में मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद मुझे कोई भी मेजर इशू देखने को नहीं मिला है, मैंने रियलमी कम्युनिटी पेज में जाके भी ढूंढा, वहां पे भी कोई भी मेजर इशू या पे पोस्ट नहीं किया गया है। तो गाइस अगर आपका डिवाइस में ये अपडेट आपको रिसीव हो चुका है रियलमी 8 प्रो डिवाइस में ओपन बीटा के साथ C.12 वाला, और अगर आपका डिवाइस में कुछ भी मेजर इशू देखने को मिल रहा है तो गाइस आप नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो गाइस फिर चलते हैं न्यू फंक्शन की तरफ। तो इस अपडेट के बाद भी रियलमी 8 प्रो डिवाइस में आपको एक भी सिंगल न्यू फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये ओनली फॉर बग फिक्स अपडेट है, ओपन बीटा अपडेट है, इसलिए आपको कुछ कुछ मेजर बग को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है और कुछ न्यू फंक्शन तो मुझे देखने को नहीं मिला मैं जितने टाइम से डिवाइस को यूज किया। तो गाइस अगर आपको कुछ अगर न्यू फंक्शन देखने को मिल गया है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपका कमेंट में जरूर पिन कर दूंगा। मन में डाउट है ये जो अपडेट आया है रियलमी 8 प्रो डिवाइस में C.12 वाला, ये आपका डिवाइस में करना चाहिए या फिर नहीं। तो गाइस अगर आप फर्स्ट टाइम रियलमी वाई 3.0 में अपडेट करना चाहते हो तो आप बेझिझक इस अपडेट को कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी मेजर इशू नहीं है, लेकिन छोटा छोटा बग है वो रहेगा, ये बीटा अपडेट है तो आप अपडेट कर सकते हो, कोई भी मेजर प्रॉब्लम आपका डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, जो रियलमी वाई 2.0 था इससे कंपेरिजन में रियलमी वाई 3.0 में आपको बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा और ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, आपका डिवाइस में ये अपडेट करना चाहते हो या फिर नहीं आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यार मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।